नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्ट्रीम देख रहे हैं। बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट के नारे को लेकर आगे बढ़ रही लोक जनशक्ति पार्टी लगातार अपने कुनबे को बढ़ा रही है। ऐसे में तस्वीर देखिए किस तरीके से कई जो नेता हैं वो लगातार आके पार्टी से जुड़ रहे हैं। कई बीजेपी के नेता हैं जो कि पूर्व में विधायक रह चुके हैं, वो लगातार पार्टी से जुड़ रहे हैं। रामेश्वर चौरसिया थे, बीजेपी महिला मोर्चा की सदस्य भी थी जो लगातार LJP से जुड़ रही हैं। वैसे में प्रिंस पासवान जो कि पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उन्हें LJP की सदस्यता ग्रहण करवाई है। बताया जा रहा है कि इन दोनों को टिकट मिल सकता है विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए। ऐसे में जब हमने बातचीत की सुजभान सिंह से और प्रिंस पासवान जो कि LJP के प्रदेश अध्यक्ष हैं उनसे, तो दोनों ने क्या कुछ कहा जरा सुनिए। सुजभान जी, लगातार संगठन रघुनाथपुर से आप लोगों को याद ही नहीं रहता पत्रकार महोदय, मेरा संगठन तो 2012 में जो संगठन था 2005 में 12.62 हमको वोट आया था, उसी के लक्ष्य में बढ़ेगा कि देखिएगा परिणाम आने देख दीजिए। हाँ, देखिए ये तो होना ही था। हमारी जो युवा सोच, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की युवा सोच, जो बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट हम लोग एक सोच के साथ जो निकले हैं, उस सोच के साथ जो भी इस पर प्रभावित होके आ रहे हैं, हम उनका स्वागत कर रहे हैं। आज चौरसिया जी यहाँ, इंदु केशव जी हमारे साथ जुड़े हैं, इस हमारे अभियान में हमारे साथ जुड़े हैं। हमारा जो लक्ष्य है उसको किस तरीके से पाया जाए, साथ में हमारा एक पार्टी का विस्तार हो, आप सभी देख रहे हैं। और हमें खुशी है कि जिस तरीके से लोग हमसे जुड़ रहे हैं, जो चुनावी हम जिस चुनाव मैदान में हैं, निश्चित रूप से एक लोजपा एक अच्छी प्रदर्शन करेगी। जिसका विरोध कर रहा है उनका भी संगठन कह रहे हैं आपके तरफ निगाहें रखते हैं, क्या कर रहे हैं, आप मजबूती से तैयार हैं? देखिए हमारे साथ लोग, हम जो निकले हैं इस मुहिम पे, हम जो इस संघर्ष में निकले हैं, इस संघर्ष में हमारे साथ जो भी हमारे साथ आना चाहते हैं उनका स्वागत है। जो हमारा लक्ष्य है उसको प्राप्त करने के लिए जो भी हमारा साथ देंगे उनका स्वागत है। तो हमारी पार्टी का विस्तार हो रहा है, हमारी पार्टी मजबूत हो रही है और हमें परिणाम जो हमें मिलने वाले हैं उसमें हमें सफलता से मिलेगी। प्रधानमंत्री की बातों को, प्रधान हमारे सभी के प्रधानमंत्री हैं, उनका कार्य शैली सभी को पता है, उनके बारे में अच्छी कोई बुरी बात नहीं है, सब अच्छी बात है। इससे मैं लोक जनशक्ति पार्टी साफ साफ कह रही है कि जिस मिशन पर वो बढ़ चली है, देखने वाली बात है कि एक तरफ जहां सामने बीजेपी है जिसकी तारीफ लगातार लोजपा कर रही है और JDU को लगातार निशाने पर रखा जा रहा है। आप लाइव स्ट्रीम देखते रहें, यह सिलसिला कब तक जारी रहेगा, JDU इसे नोटिस ले रही है नहीं, आप साफ समझ सकते हैं। इससे JDU को कितना घाटा है, BJP को कितना फायदा है, ये भी आप साफ समझ सकते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।